शिमला का अंतर्राष्ट्रीय ग्रीष्मोत्सव 15 जून से शुरू हो रहा है। 18 जून तक 4 दिन तक चलने वाले ग्रीष्मोत्सव में पहाड़ी संस्कृति के साथ कई बड़े बॉलीवुड और पंजाबी कलाकार सुरों का जादू बिखेरेंगे। समर फेस्टिवल का शुभारंभ राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल करेंगे। उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने बताया कि 15 जून को नाटी किंग कुलदीप शर्मा मुख्य आकर्षण रहेंगे। इसके अलावा स्कूल के बच्चों द्वारा कई सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। वहीं दूसरी संध्या में कव्वाली के लिए समर्पित रहेगी। बॉलीवुड सिंगर साज भट्ट अपने जादू से समा बांधेंगे। तीसरी संध्या 17 जून को पार्श्व गायिका महालक्ष्मी अय्यर के नाम रहेगी। शिमला समर फेस्टिवल के अंतिम दिन 18 जून को पंजाबी गायक दिलेर मेहंदी दर्शकों का मनोरंजन करेंगे। 18 जून को चिल्ड्रन ऑफ स्टेट कार्यक्रम में शामिल होंगे। लेकिन आप सब जानते हैं कि इसमें आप देखते हैं कई बार कई तरह की ऐसा भी रहता है कि भाई मुझे किसी को कोई किसी का ये भी कहना होता है, इसमें प्रॉपर ऑडिशंस वगैरह लिए गए हैं ताकि जो प्रस्तुति है वो बहुत लोगों के लिए अच्छी रहे। तो ये भी 18 तारीख को है। इसके अतिरिक्त एक आप जानते हैं कि हमारी एक ज़िला शिमला में एक परंपरागत एक ठोडा खेल जो है वो खेला जाता है, और इसके लिए इसको भी जो है विशेष रूप से जो है इसका आयोजन जो है वो शिमला में करवाया जा रहा है। ये किस दिन है? 17। ये 17 तारीख को होगा। और इसके अलावा स्कूली छात्रों द्वारा आकर्षक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां की जाएंगी, और उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक दल पटियाला NZCC इसमें राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान से बहरूपिया, कच्ची घोड़ी, वायुस्कोप व कठपुतली के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पंजाब से जो टीम है वो भांगड़ा का आयोजन करेगी। उत्तराखंड से जौनसारी नृत्य का आयोजन किया जाएगा, और उत्तर प्रदेश से बरसाना की होली व मयूर नृत्य का इसमें आयोजन किया जाएगा। वीडियो से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी।